तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 2024 की बारी किसकी कितनी है तैयारी। बता दे भाई फिर तक आज के कवर से हरियाणा के बयान वीर। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा पानीपत में अपना चोला पहन गणतंत्र समारोह में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए शिरकत करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस बल ने पकड़कर नजरबंद कर लिया। जिसके बाद हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नीरज शर्मा को छुड़ाने के लिए पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार और पुलिस को चुने हुए विधायक को इस तरह से रोकने का अधिकार नहीं है। मेरे से कानून व्यवस्था का खतरा लग रहा है। जब एक एमएलए से कानून व्यवस्था का खतरा, बाकी जनता के संग क्या होगा? रामी मालिक तो रास्ते मेंटेन कर लिया, बिना आधार के कोई अपराध तो होते ले भाई। विधायक के चोले पर तो हो रहा है रोड़ा है, और ईसा सा को है भाई अक्साइंग ये लेता हूँ ना छुड़ा के लेना पड़े। वही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राम मंदिर को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो कहीं का नहीं, जो राम का नहीं वो कहीं का नहीं। यार बात तो सही है, अगर भाई जब मानस नाराज हो जाए तो चल भी जाएगा काम, पर भगवान नाराज नहीं होना चाहिए। भाई रब रूठ्या तो जग छूट्या। बिल्कुल। वही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राम मंदिर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ये चाहे सिर के बल खड़े हों या दंड बैठक लगाएं, अब कोई फायदा नहीं है, जनता सब जानती है। अब ये चाहे जो मर्जी करें, चाहे दंड बैठक लगाएं, चाहे सिर के बल उल्टे खड़े हो जाएं। अच्छा रे, चे सिर के बल खड़े हो है? चे दंड बैठक मारे कोई फायदा नहीं। पर यार मेरी नजर में एक फायदा तो है, और वो फायदा यूस है भाई, अगर भाई शीर्षासन करना था और दंड बैठक मानना था भाई गात में चाहना था जैसे। वही हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की जांच को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन हथकंडों का कोई असर नहीं होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत लीडर है। डराना धमकाना तो इनका काम है, डराने धमकाने की कोशिश करते हुड्डा जी भी जो है, मैं हमारे लीडर है बड़ा, मुझको तो भरोसा है कि ये किसी इसी प्रकार की बातों से उसको प्रभावित या दबाव में नहीं ला सकते। भाई बाबरिया साहब की नजर में सांगी वाले ताऊ की धाक तो पूरी है। हाँ वो एक अलग बात से भाई, ऐसा अर्की वाले के लिए थोड़ा मन मुटाव चल रहा है। वही अशोक तंवर की ओर से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्कूटर का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लिखा है स्कूटर का स्टैंड होता है, लेकिन वो बार बार अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। साथ ही ढांडा ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी छोड़ता है उसकी राजनीति हाशिए पर चली जाती है। एक फोटो वायरल है, कह रहे हैं कि स्कूटर का भी स्टैंड होता है और उस पर फोटो लगा रखी है उनकी, तो इसका मतलब आप खुद समझिए कि आप बार बार अगर आप विचारधारा बदलेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी राजनीति में लगातार खत्म होती चली जाती है। भाई इसे तो कई स्कूटर हुए हैं जिनके स्टैंड या तो खराब हुए या स्टैंड होते ही नहीं है, और उनने मतलब सारे की जरूरत पड़े है, बिना किसी सारे को खड़े नहीं हो सकते। तो इसे कई नेता भी हुए हैं है? बिना स्टैंड के नेता, और सारे की तो उनने भी जरूरत फिर पड़े इसे। वहीं बीजेपी नेता अशोक तंवर ने अपनी एक्स पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम है वो बहुत ही खराब है, जो वेंटिलेटर पर हो उसे कोई नहीं बचा सकता, मैं उनसे क्या बात करता जो हक मारने का काम करते हैं। तंवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी भस्मासुर की तरह खुद पर ही झाड़ू चला लेगी और चुनाव में बुरी तरह से हारेगी। वेंटिलेटर पर कोई आ जाए तो उसको कितना भी अच्छा से अच्छा डॉक्टर हो वो उसको बचा नहीं सकता। जैसे भस्मासुर है, अपने ऊपर हाथ रख करके उसने अपने आप को भस्म किया, वैसे ही ये भी है। ये झाड़ू चलाने तो कहीं और से जाते हैं, कहते हैं हम झाड़ू चलाएंगे, फिर अपने ऊपर ही झाड़ू फेर लेते हैं। उनके बस की बात नहीं होगी, उनको मुबारक उनका निर्णय। तंवर साहब तो भाई जिस भी पार्टी में जावे है उससे के गीत गावे से है भाई, कदे अपनी पिछली पार्टियां में थे तो भाई बीजेपी ने निशाने पर लिया करते, बीजेपी में आ गए थे भाई अपनी जो पिछली पार्टी से है उन भस्मासुर बतावे है, मतलब कमाल ले से यार, राजनीति भी कसूती चीज है। साथ ही बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कहा कि वो लोग पहले अपने गिरिबान में जाके पता चल जाएगा किसने धोखा दिया है। साथ ही तंवर ने विपक्ष को वोट राम नोट राम और लूट राम की संज्ञा दी है। उनके राम तो वोट राम है, नोट राम है और लूट खसोट राम है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी ट्रेन है जिसका फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। बीच में कई स्टेशन आएंगे, बहुत से लोग चढ़ेंगे ट्रेन के अंदर, कुछ लोग उतर भी जाएंगे, ट्रेन थोड़ी रुक जाएगी उससे। यार तंवर साहब तो अपनी पुरानी पार्टियां ने वोट राम नोट राम और
लूटराम बतावे है और उड़ा पड़े अनुराग डांडा साहब वे कहे भाई आम आदमी पार्टी तक ट्रेन से बाकी यार ट्रेन तो एक बात ही आ जाएगी मैं मतलब चंडीगढ़ जाना था यार है? एक टिकट मतलब मेरी भी करवा दे यार नवी ठीक है विकास भाई करवा देते आपकी टिकट वहां से सीधा कन्याकुमारी और फिर भारत भरबन पर जाना आप क्या कह रहे हैं बोली बूझ सही कह रहा हूँ घोटे थोड़ा होगा मेरी है तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही अगले प्रोग्राम में आपसे जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार राम राम।